फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ से यानी कुआलालंपुर से लंका भी जाऊँगा बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसलिए मैं सुबह 8:30 बजे के अंदर पहुँच गया केएल सेंट्रल पे। यहाँ से मुझे लेना है ईटीएस ट्रेन। ईटीएस ट्रेन दो टाइप के होते हैं, एक ईटीएस गोल्ड और दूसरा ईटीएस प्लैटिनम। डिपार्चर पॉइंट मैं केटीएम काउंटर से पता किया, मेरा वाला ट्रेन ईटीएस गोल्ड है जिसका नंबर है ईटीएस 9420 और डिपार्चर टाइम है 9:59 का। ट्रेन का टाइम होने के 20 मिनट पहले ही स्क्रीन पे ट्रेन नंबर और डिपार्चर टाइम शो होने लगेगा। फिलहाल मेरा ट्रेन का टाइम हो गया है और मेरा कोच नंबर है B और प्लेटफॉर्म के जमीन पे ऊपर आपका कोच नंबर मेंशन रहता है। मैं थोड़ा इस ट्रेन के बारे में बता देता हूँ। केएल सेंट्रल से दो टाइप के ट्रेन डिपार्ट होते हैं लंकावी के लिए, एक ईटीएस प्लैटिनम, दूसरा ईटीएस गोल्ड। ये 6 कोच वाला सुपर फास्ट ट्रेन है, करीब 140 किलोमीटर के स्पीड से ये दोनों ट्रेन दौड़ता है। इन ट्रेनों का कोई भी क्लास सिस्टम नहीं होता है, लाइक फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास। इसका सीटिंग अरेंजमेंट 2x2 है। इन ट्रेनों में बफेट कर भी है जहां से आप कॉफी स्नैक्स वगैरह खरीद सकते हैं और बी एंड ई कोच में टॉयलेट भी होता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन दो ट्रेनों में से आपको कौन सा वाला ट्रेन लेना चाहिए, तो आपको प्लैटिनम और गोल्ड ट्रेनों के कुछ डिफरेंस बता देता हूं जिससे कि आपको सिलेक्ट करने में सुविधा हो। यह प्लैटिनम ट्रेन फास्टर है ईटीएस गोल्ड से। अभी आप यह सोच रहे होंगे कि दोनों ट्रेन अगर 140 के स्पीड से ही दौड़ता है तो ईटीएस प्लैटिनम फास्टर कैसे हो गया। इसका रीजन है ईटीएस प्लैटिनम जो ट्रेन है वो सिर्फ 8 स्टेशनों में ही रुकते हैं, वहां ईटीएस गोल्ड जो है वो करीब 15 स्टेशनों में रुकते हैं। ईटीएस प्लैटिनम ट्रेन जो है वो एक्सपेंसिव होता है ईटीएस गोल्ड ट्रेन से। अगर ईटीएस प्लैटिनम के टिकट के बारे में बात करें तो ये लगभग कभी भी सोल्ड आउट नहीं होते हैं, लेकिन ईटीएस गोल्ड हमेशा से बहुत हाई डिमांड में रहता है और इसका टिकट भी एडवांस में ऑनलाइन बुक करना पड़ता है। अदरवाइज इसका जो हाई डिमांड है इसमें सीट अवेलेबिलिटी का चांसेस बहुत बहुत कम हो जाता है। और एक बात, ईटीएस प्लैटिनम ट्रेन का जो नंबर है वो शुरू होते हैं EP से और ईटीएस गोल्ड ट्रेन का जो नंबर है वो शुरू होते हैं EG से। इस ट्रेन का टिकट कहां से बुक कर सकते हैं उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूं। करीब 5 घंटे जर्नी करने के बाद मैं पहुंचा अराऊ स्टेशन पे और यहां से मुझे जाना है कुआला पेल्लीस। कुआला पेल्लीस जाने के लिए 2 ऑप्शन है, बस और टैक्सी। मैं दूसरे वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया यानी टैक्सी। टैक्सी स्टैंड बिल्कुल स्टेशन के बाहर ही है। जबकि बस से जाने पे आपको एक इंटरचेंज करना पड़ेगा और टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगेगा, वहीं टैक्सी डायरेक्ट कुआला पेल्लीस पहुंचाएगा और टाइम भी सेव करेगा। लेकिन बस थोड़ा सस्ता होता है और टैक्सी थोड़ा महंगा। केएल सेंट्रल से मैं ईटीएस गोल्ड ट्रेन लेके मैं पहुंचा अराऊ पे। ये करीब 5.5 घंटे का रास्ता है और अराऊ से मैंने टैक्सी लिया जो कि 26 रिंगित ले रहे हैं
मुझे कुआला पेल्लिस पे पहुंचाने के लिए। कुआला पेल्लिस एक फेरी पोर्ट है जहां से आपको फेरी लेके लंकावी आइलैंड पहुंचना है, और ये जो डिस्टेंस है ये करीब 21 मिनट्स का है। तो फिलहाल मैं टैक्सी पे हूं और ये जो बाहर का जो नज़ारा है बहुत खूबसूरत है। अब मैं जब कुआला पेल्लिस पे पहुंचूंगा फिर वहां पे फेरी का क्या टाइमिंग है, क्या कॉस्टिंग है, वो बात भी मैं आपको बताऊंगा। भाई टैक्सी करीब 25 मिनट पे पहुंच गया कुआला पेल्लिस। यहां से मुझे लेना होगा फेरी, और फेरी के लिए जो टिकट लेना है उसका काउंटर रास्ते के ऑपोजिट फुट पे है। लंकावी फेरी पे एंटर करते ही गेट के बगल में ही बैगेज रखने का जगह है। नॉर्मली टिकट में आपका सीट नंबर मेंशन रहता है, लेकिन अगर ज्यादा पैसेंजर नहीं होते हैं तो आप कोई भी खाली सीट पे बैठ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कुआला पेल्लिस पे पहुंच चुका हूं और वहां पे टिकट काउंटर से मैंने टिकट लिया जो कि इस फेरी का टिकट है, और इस फेरी से मैं कुआला पेल्लिस से कुआ तक जाऊंगा। कुआ लंकावी का एक फेरी पोर्ट है। आपको कुआला पेल्लिस से कुआ तक इसी फेरी से जाना होगा, और इस फेरी का जो रेट है ये 18 रिंगित पर पर्सन है। तो मैंने एक टिकट लिया और अभी फिलहाल मैं फेरी पे चढ़ चुका हूँ। इस फेरी में हर सीट के नीचे एक लाइफ जैकेट दिया हुआ है जो कि आपका इमरजेंसी सिचुएशन में काम में आएगा। मुझे अराउ से कुआला पेल्लिस बाई टैक्सी 26 रिंगित लगा सिंगल पर्सन, और उस टैक्सी में मुझे करीब 20 मिनट का टाइम लगा 21 किलोमीटर कवर करने में। तो 20 मिनट पे मैं कुआला पेल्लिस पहुंच चुका हूं, और अभी बज रहा है शाम के 4:30, जिस टाइम पे ये बोट डिपार्ट होगा, ये फेरी डिपार्ट होगा। इस फेरी से मैं कुआ जाऊंगा जो कि लंकावी का एक फेरी पोर्ट है। आप अराउ से पेल्लिस बस से भी आ सकते हैं, लेकिन ये दो बस चेंज करके आना होगा और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। टैक्सी में 20 मिनट का टाइम लगा, लेकिन अगर आप बस से आएंगे तो शायद उसका 1 घंटे का करीब टाइम लग सकता है, और ये आपको 2 बस इंटरचेंज करके यहाँ पे आना होगा। तो फिलहाल मैं टैक्सी में ही आया हूँ, 26 रिंगित लगा। हालांकि वहाँ पे मुझे एक आदमी मिला था कि वो मेरे साथ शेयर करने के लिए राजी था, लेकिन मैंने सिंगल ही आया क्योंकि मुझे वीडियो भी बनाना था, तो शायद उनको डिस्टर्ब होगा या फिर उनको अगर कोई कॉल वगैरह आ जाता है तो मैं बात नहीं कर पाऊँगा, मैं वीडियो अच्छी तरीके से कर पाऊँ या ना पाऊँ, इसी वजह से मैंने सिंगल ही आया। तो आपको भी वहाँ पे ऐसा शेयर करने वाला मिल जाएगा, तो आप अगर आपका इच्छा है तो आप शेयर करके भी आ सकते हैं, और अगर आप सिंगल आना चाहते हैं तो आप आ ही सकते हैं। तो फिलहाल इतना ही मुझे इन्फॉर्मेशन अभी तक मिला, तो मैं आपके साथ शेयर कर दिया। इससे बाद जब इसके बाद मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज गैदर करने को मिलेगा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। करीब 1 घंटा 15 मिनट जर्नी करने के बाद मैं पहुंचा लंकावी आइलैंड के कुआ जेटी पे। और यहां से मुझे जाना है मेरा होटल रॉयल अगाटे बीच रिसोर्ट पे, जो कि पेंटाई शेनांग बीच में है। जी हाँ दोस्तों, लंकावी में मैं हॉस्टल के बदले होटल बुक किया, क्योंकि इस होटल का पोजीशन और इस होटल से जो व्यू मिलता है वो एक अलग ही लेवल का है। मैं आपको होटल दिखाऊंगा जरूर, लेकिन पहले मुझे पहुंचना है अपने होटल।
और उसके लिए मुझे फिर से टैक्सी लेना है। यहाँ पे टैक्सी फेयर में बर्गेनिंग भी होता है, लेकिन इस बार मैं ग्रैब कार यूज किया। ग्रैब कार पूरे मलेशिया में फेमस है, ये कुछ ओला उबेर जैसे ही है। मैं ग्रैब कार बुक किया इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल टैक्सी फेयर से सस्ता पड़ रहा था। गुवाहाटी से मेरा होटल पहुंचने में करीब 40 मिनट लग गए और इस जर्नी के लिए मुझे पे करना होगा 23 रिंगित।